ESPN Weekend Raw Match Day हिंदी पे आपका स्वागत है। बात होने वाली है मुंबई और पंजाब के बीच खेलने वाले जाने वाले मैच नंबर 24 की, इस साल की IPL की 24वां मैच वानखेड़े स्टेडियम में। और मुंबई पिछले अपने दोनों मैच जीत चुकी है और वो मजबूत जीते थी, चेन्नई को हराया और फिर जाके सनराइजर्स हैदराबाद को हैदराबाद में हराया, उनका हौसला तो बुलंद हो गया ही। दूसरी तरफ आर अश्विन ने मोहाली में जिस तरह से हैदराबाद को हराया, वो भी एक मजबूत टीम है, तो दोनों ही टीम में ये अच्छी टक्कर होगी। और दोनों टीमें पहले भी मिल चुकी है, जहाँ पंजाब ने मुंबई को मोहाली में हराया था, तो ये पहला एक रिवर्स फिक्सचर होगा इस साल के IPL में। मेरे साथ दीप दास गुप्ता मौजूद, जो कल के क्विज में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, चार मेरे ख्याल से आपने सही जवाब दिए, तो मैं जरा बार रेस कर रहा हूँ, तो आपको आज मुश्किल और सवाल कर बिल्कुल, तो या फिर क्या पता आज आपको शायद फॉर वैरायटी चार गलत भी मिल जाए, पता नहीं, लेकिन मैं इसकी आशा बिल्कुल नहीं रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दीपदास गुप्ता आज के क्विज में भी एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए पहला सवाल दीप के लिए क्विज में, मुंबई और पंजाब संबंधित ये क्विज, इनमें से किस खिलाड़ी ने IPL में पंजाब और मुंबई में से किसी एक टीम के लिए ही खेला है? ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, प्रवीण कुमार या संदीप शर्मा? कुमार पहले ऊपर के तो दो खेले हैं डेफिनेटली, प्रवीण RCB किंग्स 11, संदीप शर्मा। क्या बात है, बिल्कुल सोच विचार करके सही जवाब दिया है। प्रवीण कुमार ने भी खेला था मुंबई के लिए और संदीप शर्मा सही जवाब, कभी भी नहीं खेले मुंबई इंडियंस के लिए, केवल किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले हैं संदीप शर्मा। चले अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छी शुरुआत दीपदास गुप्ता की। कायरन पोलार्ड को पंजाब के किस बॉलर ने IPL में सबसे ज्यादा बार आउट किया है? मोहम्मद शमी, आर अश्विन, एंड्रू टाय या अंकित राजपूत? डेथ में ज्यादा बार आउट होंगे, डेथ में कौन ज्यादा डालता है? मैं आपकी सोच की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं अभी तो। ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे जवाब दे दीजिए, कोई बात गलत, मैक्स टू तारीफ भी कर रहे हैं ना। एंड्रू टाय ने दो मैच में दो बार आउट किए हैं, लेकिन तीन बार 7 मैच में आर अश्विन ने किए हैं, तो जहाँ परसेंटेज में एंड्रू टाय आगे है, आर अश्विन ने 3 बार पोलार्ड को आउट किया है। कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा दबाव डाल दिया था दीप पे, कोई बात नहीं, अगले तीन वो मैं वही सोच रहा था कि डेथ में आप ज्यादा खेलते हैं, कौन डालता है डेथ में, तो एंड्रू टाय है। वो भी अच्छी सोच के साथ आपने जवाब दिया और काफी करीब भी थे आप सही जवाब के, लेकिन अश्विन किंग्स 11 के कप्तान सही जवाब है। आगे जाके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा सवाल दीपदास गुप्ता के लिए। पंजाब के खिलाफ IPL के एक मैच में 5 विकेट लेने वाला मुंबई का इकलौता गेंदबाज कौन है? मालिंगा, मुनाफ, धवल कुलकर्णी या बुमराह? ये पंजाब के खिलाफ मुंबई के लिए, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है, आसान नहीं है। मलिंगा, मुझे लगा आप शायद मलिंगा गेस करेंगे, लेकिन सही जवाब मुनाफ पटेल 2011। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी ये सही जवाब निकाले, मुनाफ पटेल खुद याद इसे नहीं रखेंगे कि उन्होंने 5 विकेटें निकाली थी। चलिए आगे बढ़ के अगले प्रश्न की तरफ, IPL में पंजाब के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? डेविड मिलर, शॉन मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, युवराज सिंह? पंजाब के लिए जी, मैक्सिमम 6 इन द IPL फॉर पंजाब, उसमें क्रिस गेल होते तो ज्यादा खेला होगा पंजाब, क्रिस गेल तो केवल दो सीजन ही खेल चुके हैं पंजाब, दो सीजन में काम कर जाते हैं। 85 सिक्सेस का जो है रिकॉर्ड, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि 85 सिक्सेस है, 85 ये ओवरऑल IPL में, तो सबसे ज्यादा शॉन मार्श ने ही खेला है, शॉन मार्श सही जवाब है, डेविड मिलर, मैक्सवेल, मिलर और मार्श तीनों ही करीबी मामले में हो सकते थे। युवराज सिंह ने अपने शुरुआती सीजन में काफी अच्छा खेला था, लेकिन मैक्सवेल भी उतने ज्यादा नहीं, शॉन मार्श, डेविड मिलर दो, कोई नहीं। आखिरी सवाल दीपदास गुप्ता के लिए, विकेट कीपर के तौर पर, चलिए ये आपकी बिल्कुल आपका स्पेशलिटी है ये एरिया, रिद्धिमान ने इसके पहले ही फंसाया, विकेट कीपर के तौर पर पंजाब के लिए IPL में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाला इकलौता खिलाड़ी कौन है? राहुल, रिद्धिमान साहा, एडम गिलक्रिस्ट या फिर कुमार संगकारा? और आपने सही फरमाया कि रिद्धिमान साहा ने एक बार पहले आपको फंसाया था ऐसे ही जवाब में सवाल में, तो हाल ही में शुरू किया है, मैं रिद्धिमान साहा देखता हूँ इस बार भी फंसाता है कि नहीं। रिद्धिमान साहा इतने अच्छे आदमी है कि आपको एक और बार नहीं फंसाने वाले हैं, और रिद्धिमान साहा बिल्कुल सही जवाब, 1115 रन बना चुके साहा
49 पारी में। चलिए बहुत बढ़िया दीपदास गुप्ता, ये मुश्किल थे थोड़े सवाल, इसलिए मैं आपको फुल क्रेडिट दूंगा, और एक दो मैंने भी आपको ऐसे टाइम पास के लिए घुमाया था तो प्रेशर में डाल दिया, जल्दी जवाब दीजिए। लेकिन अब बात होगी इस मैच की और शुरुआत करेंगे प्लेइंग 11s की, और दोनों टीमें कुछ अच्छा सा फॉर्म दिखा रही है मैच मैच में, लेकिन मुझे अब भी नहीं लग रहा कि कौन सी मुंबई टीम हाजिर होगी इस मैच में, कौन सी पंजाब टीम हाजिर होगी इस मैच में। क्या विचार है आपके प्लेइंग 11s की तरफ भी बढ़ेंगे? देखिए मुझे ये लगता है कि मुंबई की जो टीम है वो एक पुख्ता टीम है, एक सेट टीम है, और हाल ही में अगर आप देखें 4-5 साल में तो थोड़ी धीमी गति से शुरुआत करते हैं, लेकिन टीम तो अच्छा ही है। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो मुझे जितनी मेरी अपेक्षाएं थी उससे बेहतर खेली है, ये मैं सच बात बताऊंगा मैं आपको। मुझे अपेक्षा इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतनी बेहतर प्रदर्शन की नहीं थी, तो मुझे ये लग रहा है कि अच्छे लय में है वहाँ पे। मुझे समा, मुझे अश्विन की कप्तानी बहुत अच्छी लग रही है इस साल, जिस तरीके से संभाल रहे हैं गेंदबाजों को, तो अच्छे दिख रहे हैं पंजाब। तो प्लेइंग 11s पर नजर डालते हैं, मुंबई अब 2 मैच जीत चुकी है, एक इन्फोर्स चेंज करना पड़ा पिछले मैच में, लेकिन क्या चेंज निकला, अल्ज़ारी जोसेफ ने डेब्यू पे सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और दीप के लिए बेशक उनके लिए जगह तो होगी ही इस टीम में। आगे जाके अगर देखें तो शायद ये पूरी टीम सेम की सेम ही आप रहेगी रखेंगे, ईशान किशन को युवराज सिंह के आगे खिलाएंगे। हार्दिक पांड्या के ऊपर एक छोटा सा सवाल है, अगर वो अवेलेबल होंगे या नहीं। हाँ, अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर आपको 2-3 बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव होंगे, अब हार्दिक की जगह आप चाहेंगे कोई ऑलराउंडर लाए तो बेन कटिंग है, और ये है अगर हार्दिक अगर नहीं खेलते तो बेन कटिंग एक ऑलराउंडर के हिसाब से आ जाते हैं, फिर वहाँ पे आप फिर एक ओवरसीज आपको हटाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो डीकॉक होंगे, बाकी को हटाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। तो युवराज सिंह आ जाते हैं मिडल ऑर्डर में, वहाँ पे ईशान किशन ओपन स्लॉट में घुस जाते हैं, और विकेट कीपर तो है ही साथ में जी। तो ये फिर बदलाव हो सकता है अगर हार्दिक अवेलेबल ना हो। जी, दोनों आपकी टीम दोनों टीमें दीप ने हमें दिए, क्योंकि शायद बैलेंस के हिसाब से कुछ बदलाव करना पड़ेगा मुंबई को। हार्दिक पांड्या की जो अवेलेबिलिटी है वो जो BCCI के अम्बड्समैन को उन्होंने अपॉइंट किया है, जो उनका मामला चल रहा था KL राहुल हार्दिक पांड्या को जो चैट शो पे गए थे, तो उसके रिलेटेड संबंधित अब जो अम्बड्समैन है उन पर सुनवाई शायद कुछ करेंगे, तो इसी सिलसिले में शायद अनअवेलेबल हो ये एक मैच के लिए। चलिए देखते हैं आगे जाके पंजाब की टीम के बारे में, और ये भी एक काफ़ी दिलचस्प टीम अब बन गई है, क्योंकि सैम करन ने अपने लिए जगह थोड़ी सी बना ली है। दीप अचानक पहले क्रिस गेल की जगह पे आए थे और अब क्रिस गेल के साथ खेल रहे हैं। एंड्रू ट्राई के लिए आपके पास जगह नहीं, आप मुजीबुर रहमान को ही खिलाना चाहेंगे भले ही ये वानखेड़े स्टेडियम क्यों ना हो? जी, इसलिए इसके दो कारण हैं। एक, आप पहले एंड्रू टाई की बात करते हैं, तो इस साल अच्छा रहा नहीं उनका प्रदर्शन, और थोड़ी देर पहले कल इनफैक्ट हम बात कर रहे थे शॉन टेट के साथ अंग्रेजी शो पे अपने, उन्होंने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भी उनका प्रदर्शन कुछ खासा रहा नहीं है इस साल, तो इसलिए मैं ज़्यादा बदलाव नहीं, और आपको पता ही है मुजीबुर रहमान को काफ़ी हाई रेट करता हूँ मैं, चाहे कोई भी सतह हो उनमें वो काबिलियत है कि अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को जो है आउट कर पाए। और भाई मुंबई के फैंस अब अचानक उनके लिए एक नया एक हाउसहोल्ड नेम बन गया है, और वो है 22 वर्ष के अल्ज़ारी जोसेफ। अचानक से आ गए इस IPL में, एडम मिल को चोट पहुंची तभी बुलाया गया, फिर लासित मलिंगा को घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ा इसलिए उनको मौका मिला, और उस मौके का पूरा फायदा उठाया अल्ज़ारी जोसेफ ने। लेकिन उसके ये एक परफॉर्मेंस से ज़्यादा कौन है ये फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज से, चले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं अल्ज़ारी जोसेफ के बारे में। अल्ज़ारी जोसेफ, ये नाम आपने हाल ही में सुना होगा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट का युवा सितारा जो IPL के आकाश पर अपनी पहली मौजूदगी में ही चमक बिखेर गया। IPL में अपने पहले ही मैच में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ बोलिंग परफॉर्मेंस। तो कौन है ये अल्ज़ारी जोसेफ, आइए इनके बारे में जानते हैं 10 बड़ी बातें। अल्ज़ारी कैरेबियन धरती के उसी छोर से आते हैं जहां सर विव रिचर्ड्स और सर कर्टली एम्ब्रोस जैसे महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया, यानी एंटीगा। बचपन में अल्ज़ारी अपने पिता को ही घर के आंगन और मोहल्ले में बोलिंग किया करते थे, और फिर वहां से इस खेल का ऐसा चाव लगा कि जल्द ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा। सबसे पहली बार वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप में सिर्फ 6 मैचों में 13 विकेट झटके और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। अंडर-19 में धांसू परफॉर्मेंस के बाद उन्हें तुरंत 2016 में ही राष्ट्रीय टीम में जगह मिली, और क्या आप जानते हैं अल्ज़ारी जोसेफ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट कौन है? नाम है विराट कोहली। अपने डेब्यू के एक साल के भीतर ही वो वेस्टइंडीज के लिए वनडे में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल मैदान पर करके दिखाया। साल 2019 की शुरुआत में अल्ज़ारी ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट किया। मत भूलिए, रूट टेस्ट क्रिकेट के
दिग्गज बल्लेबाज हैं। इसी टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से पहले जोसेफ की मां के देहांत की खबर आई, लेकिन दुख की इस घड़ी में भी इस खिलाड़ी ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। अल्जारी फील्ड पर उतरे और दो अहम विकेट लेने के अलावा एक शानदार कैच भी लपका। अल्जारी को फुटबॉल बहुत पसंद है, वो इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल क्लब लिवरपूल के बड़े फैन हैं। अल्जारी जोसेफ साउथ अफ्रीका के स्टेनगन यानी डेल स्टेन को अपना क्रिकेट आइडल मानते हैं। आईपीएल 2019 में अल्जारी मुंबई इंडियंस के लिए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। शायद मुंबई को भी उम्मीद नहीं होगी कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आया एक युवा गेंदबाज अपने पहले ही मैच में 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगा। कोई शक नहीं कि आने वाले मैचों में सभी की नजरें अब अल्जारी पर ही होंगी। तो ये थी भाई अल्जारी जोसेफ की अब तक की एक कहानी, और अब लग रहा है कि इसमें वो और चैप्टर लगाने ही वाले हैं। शुरुआत आईपीएल में उन्होंने बहुत ही अच्छी की है। और अल्जारी जोसेफ दो परिवर्तन में से एक थे पिछले मैच में, दूसरा था ईशान किशन जो पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर बैठे मुंबई के, लेकिन फिर भी युवराज सिंह के बदले उनको ड्रॉप किया गया। इस मैच के पहले ईशान किशन कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑब्वियसली जैसा 19 में भी उसने बहुत ही अच्छा किया था, उसने अपनी टीम को फाइनल जिताया था, उस समय बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जो अभी वो डाल रहा है वो एक उसका अलग ही रिदम है जिसमें वो आया है यहाँ पे, जब से इवन नेट सेशन में जैसे वो बॉल डालता है वो अपना बेस्ट देता है, तो उससे भी काफ़ी सीखने को हमें मिलता है कि वो कैसे नेट में भी जैसे प्रिपेयर करता है फिर वैसे ही अपने आप को मैच में भी दिखाता है। तो इनफैक्ट वो आप देखिए वो कैसा स्पेल डाला है, तो अभी बहुत ही अच्छा बॉल डाल रहा है एंड वी थिंक कि वो ऐसा ही डालता रहे। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बट जैसा उसका नेचर है शाही, वो जैसा काम रहता है, वो दोनों या परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी देखा है तो वो एक न्यूट्रल लेवल मेंटेन करता है अपने लिए, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और 19 से मुझे तो अभी काफ़ी बेटर लग रहा है वो जैसा अभी डाल रहा है, क्योंकि उसने अपना लाइन लेंथ काफ़ी इंप्रूव किया है, बैट्समैन को रीड करना बहुत ज़्यादा अच्छा सीख गया है, वो बहुत जल्दी बैट्समैन रीड करता है, तो वो सब चीज़ें बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारी टीम के लिए। ईशान किशन बात कर रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ईशान किशन खिलाड़ी, अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया गुजरात लायंस के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, और जो कानों में ये जो गाली लगाते हैं बिल्कुल वो किसी और की याद दिलाते हैं मुझे। आपके इतने मतलब प्रोमिनेंट या फैंसी नहीं है लेकिन मेरा जो है वो मतलब पॉइंट क्या है 0.1 कैरेट या कुछ होगा, उनका जो है वो 10 कैरेट, लेकिन आपका होगा वो कुछ VVS वाला होगा, VVVS वाला होगा, एकदम महंगा वाला, वेरी वेरी स्पेशल नहीं, नहीं वेरी वेरी। चलिए कोई नहीं, बालियों की बात छोड़ के थोड़ी क्रिकेट की बात हो जाए, और जो की कॉन्टेस्ट है इस मैच में, जो आमने सामने कौन खिलाड़ी किसके सामने होंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, और कुछ आंकड़ों पे भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले क्रिस गेल की बात तो होनी चाहिए, क्योंकि माना कि क्रिस गेल कुछ छोटे स्कोर्स बना चुके हैं आईपीएल में, लेकिन ऐसे प्लेयर है जो अचानक से एक मैच आपको जिता देंगे, और मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ मालिंगा तो शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन बुमराह के खिलाफ, जेसन बेरेंडोफ के खिलाफ भी आईपीएल में दो बार आउट हो चुके हैं क्रिस गेल, और हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट उनका। ऐसे एक प्लेयर है जो पंजाब के फैन सोच रहे होंगे कि क्रिस गेल को खिलाए या ना खिलाए इस टीम में, लेकिन वानखेड़े जैसे ग्राउंड पे क्या प्रभाव हो सकता है क्रिस गेल का, अगर जैसे आपने कहा अभी शुरुआत में उनके बारे में, वो ऐसे बल्लेबाज हैं कि जिस दिन वो चलेंगे तो फिर उस दिन निस्संदेह कि पंजाब जीतेगी वो मैच। और वानखेड़े एक ऐसा मैदान है जो हाई स्कोरिंग है, छोटा मैदान, अच्छा बल्ले पर आता है गेंद, तो संभावनाएं हैं कि अब मेरे हिसाब से उनके साथ ऐसा है ना कि आप काफ़ी हद तक हालात को देख के उनको खिला सकते हैं, कि अगर टर्नर हो तो शायद संभावनाएं कम है, लेकिन इस ग्राउंड पे इस पिच के ऊपर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं उनके सक्सेस के, तो ज़रूर मुझे लगता है खेलेंगे वो। क्रिस गेल एक तरफ से पंजाब के दिग्गज ओवरसीज बल्लेबाज है, वही दूसरी तरफ डेविड मिलर भी एक शानदार बल्लेबाज है पंजाब के लिए, लेकिन उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनको मिडिल ऑर्डर में ऊपर नीचे करा दिया गया इस टूर्नामेंट में। मुंबई बॉलर्स के खिलाफ डेविड मिलर का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह के सामने काफ़ी अच्छा है उनका रिकॉर्ड है, 5 पारियों में 26 रन, लेकिन कभी भी आउट नहीं हुए बुमराह को। मिलर का क्या उपयोग कर सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब, ने देखा है कि कभी कभी थोड़ा धीमे खेल लेते हैं मिडिल ओवर्स में, आप मिलर का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं दीपदास गुप्ता? क्या बात है, सदुपयोग कैसे हो सकता है? देखिए मेरा ये मानना है, और थोड़ा सा निराश किया है डेविड मिलर ने, क्योंकि उनका मेरे हिसाब से काम ये है कि मैच फिनिश करना,
और उसी तरीके से इस्तेमाल भी किया गया अब तक अगर आप देखें तो, वही आखिरी 5 ओवर 6 ओवर पे जाते हैं और लेकिन अभी तक उस हिसाब से मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं, तो उसी तरीके से मेरे ख्याल से रोल होगा। लेकिन दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सत्य है ये सूट करता है डेविड मिलर, क्रिस गेल, जहाँ पे बल्ले पे आती है गेंद, चौके छक्के मार सकते हैं, जो पावर हिटर्स हैं, तो ज़्यादा सूट करता है। तो आप इस मैच में खासकर इस ग्राउंड पे, इस वेन्यू पे थोड़ा सा ज़्यादा बॉल दे सकते हैं, ऊपर भी बल्लेबाजी करवा सकते हैं। और यही सवाल शायद मुंबई के फैन इस तरह पंजाब के फैन डेविड मिलर के लिए पूछते हैं, मुंबई के फैन कायरन पोलार्ड के लिए पूछते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली पिछले मैच में कायरन पोलार्ड ने, एक तरह से मुंबई को एक कंपेटिटिव स्कोर पे ले गए और आखिर में देखा कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण पारी थी कि 40 रन से जाके जीते मुंबई इंडियंस हैदराबाद के खिलाफ। लेकिन पंजाब की गेंदबाजों के सामने 230 के स्ट्राइक रेट के साथ अंकित राजपूत की गेंदबाजी को काफ़ी एंजॉय करते हैं कायरन पोलार्ड। वही दूसरी तरफ आर अश्विन उन्हें 3 बार आउट कर चुके हैं, तो ये एक उनके लिए एक थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे खेलेंगे। और पोलार्ड का भी जो उपयोग करते हैं ये इंटरेस्टिंग सा हो गया मुंबई, शायद उनको एकदम डिले या डीप के लिए ही रखे। और हार्दिक पांड्या की गैरहाजिरी में क्या उन पर कोई दूसरा या कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? थोड़ा सा तो होगा, क्योंकि पिछले 2-3 मैच देखें तो हार्दिक और पोलार्ड का बल्ला बहुत अच्छा चला है आखिरी के ओवर्स में, डेथ ओवर्स में। खैर वहाँ पे अगर हार्दिक अवेलेबल ना हो तो फिर थोड़ा सा तो दारमदार ज़्यादा होगा ही उनके ऊपर। और पोलार्ड देखिए, उनका भी ये आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से चल रहा है, जब से आए हैं, कि उनको ऊपर खिलाइए। लेकिन उनका मेरे ख्याल से वो एक फिक्सा कर दिया रोल कि भैया ये आखिरी के 4-5 ओवर में ही आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो तो नहीं बदलने वाला बहुत जल्दी में, और शायद आगे ना भी बदले कभी भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब थोड़ा सा और ख़ासकर मुंबई की जो बल्लेबाजी है पिछले 1-2 मैचेस में थोड़ा सा हल्का सा लगा है, और वो काफ़ी हद तक इसलिए भी ऑर्डर की बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर, और काफ़ी हद तक इस कारण की क्योंकि रोहित रन नहीं बना पाए। सही बात है, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एक टैलिस्मैन कह सकते हैं आप उस टीम के, कि अगर वो रन नहीं करते चाहे जितना मर्जी रन हो लगता है कि कम ही बन रहे हैं। तो देखते हैं, अगर रोहित शर्मा के लिए एक ही पारी काफ़ी होंगी और शायद ये पारी होगी। पंजाब के सामने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत की और फिर LBW आउट दिए गए, लेकिन रिव्यू नहीं किया, नहीं तो शायद और भी खेल लेते। और वही दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने भी अर्धशतक लगाया था, तो शायद ये मैच उनके लिए एक अच्छा मैच होगा मुंबई के ओपनर्स के लिए। अगर आप मुंबई के फ़ैन हैं या अगर आप आंकड़ों के फ़ैन हैं, तो कुछ माइलस्टोन्स पे अगर हम नज़र डालें तो केवल 87 रन से दूर है रोहित शर्मा 8000 रन T20 क्रिकेट में। शायद यही मैच में कर जाए, यही चमत्कार हो जाए। मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर अपना 100वां मैच खेलेंगे रोहित शर्मा, और IPL में 100 चौकों के आंकड़े से 3 दूर हार्दिक पांड्या। T20 में 12,500 रन से 22 रन दूर है क्रिस गेल, और पोलार्ड T20 में मुंबई के लिए 200 छक्कों के आंकड़े से केवल 4 दूर है। आंकड़ों के फैन अगर आप होते तो ऐसा लगता है कि सारे के आंकड़े ये मैच में पूरे हो ही सकते हैं, जिस तरह के हमने दिखाया आपको। एक कठिन सवाल दीप दास गुप्ता को, प्रिडिक्शन मुंबई या पंजाब, मुंबई जो घर पे खेल रहे। हाँ, मुंबई को थोड़ा सा आगे रखूंगा, जैसे मैंने कहा कि किंग्स 11 ने इस साल मुझे मतलब ये कहूँगा जितनी उम्मीदें थी उससे आगे ही और उससे बेहतर ही खेला है, तो ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा, लेकिन मुंबई शायद आगे इस मैच में। चलिए धन्यवाद दीप, इस मैच के बाद फिर से चर्चा होगी दीप दास गुप्ता के साथ। लेकिन जहाँ तक दीप की भविष्यवाणी है, यही कहती है कि मुंबई 3 में से 3 जीत जाएंगे, और पंजाब माना कि मुंबई को पहले हरा चुके हैं, शायद इस मैच में थोड़े से कम पड़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।